श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के तहत चल रहे निधि समर्पण महाअभियान के तहत जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत के संगठन मंत्री ईश्वर लाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चालक हंसदेव बंसल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक जगदीश और विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष भानु मौजूद रहे। इस दौरान ईश्वर लाल ने श्री राम जन्म से लेकर उनकी जीवनी तक पर प्रकाश डाला। सभा को संबोधित करते हुए श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अभी देशवासियों को निधि समर्पण के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया गया। सभा में बीजेपी जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सोढ़ी, नगर पालिका पूर्व चेयरमैन कालूराम बाजीगर और अन्य गणमान्य नागरिकों ने राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण कर अपना सहयोग दिया। जय श्री राम। 1528 से लेकर के 2021 यानी 492 साल, 3.5 लाख लोगों के बलिदान और 25 पीढ़ियां जिस सपने को देखते हुए चली गई, वो शुभ दिन भगवान राम के मंदिर का पुनर्निर्माण अयोध्या में होने जा रहा है। पूरे भारत के अंदर धन संग्रह हो रहा है। 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये का कूपन। आज यहाँ भी सभा की सब में उत्साह है। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक भगवान राम के मंदिर को भव्य रूप देने और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में राम के जीवन का प्रचार प्रसार करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। आप सब लोग इसमें अधिकतम योगदान करेंगे। इतना धंधे ये घर आई हुई गंगा है कि हम सब लोगों को जैसे घर बनाते हैं, विवाह करते हैं या और किसी काम में कर्जा लेकर के हम देते हैं, इतना पैसा दे भगवान राम के लिए कि भव्य मंदिर बने और हिंदू धर्म और भगवान राम के जीवन का परिचय पूरी दुनिया में फैले, वो शुभ दिन है, उसके लिए हम सब लोग समर्पण करें, ऐसा आप लोगों से निवेदन है। जय श्री राम।